पालमपुर हॉस्पिटल के विवेक आचार्य सीबीएन एएटी नमूनों के बैकलॉग को साफ करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। उनके जैसे कर्मचारियों के अथक प्रयासों के कारण ही देश ने टीबी को खत्म करने का सपना देखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला कांगड़ा में 16 से 30 नवंबर तक टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग के लोग डॉक्टर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पालमपुर हॉस्पिटल के विवेक आचार्य सीबीएन एएटी नमूनों के बैकलॉग को साफ करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। उनके जैसे कर्मचारियों के अथक प्रयासों के कारण ही देश ने टीबी को खत्म करने का सपना देखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला कांगड़ा में 16 से 30 नवंबर तक टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग के लोग डॉक्टर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत जिला में लगभग 2 लाख की आबादी को चिन्हित कर घर द्वार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व आशा वर्कर की टीमों द्वारा मरीजों की पहचान व इलाज का अभियान चलाया गया है। इसके बारे में जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आर के सूद ने बताया कि टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जिले में 650 टीमें गठित की गई हैं, जिनके माध्यम से घर घर जाकर टीबी की जांच की जा रही है और जो सैंपल आ रहे हैं उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। जिला कांगड़ा में 5 सीवी नोट मशीनें पालमपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी, टांडा और धर्मशाला में हैं। सीवी नोट मशीनों में एक समय में 4 टेस्ट हो पाते हैं। एक समय में एक टेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं, जिस कारण काफी बैकलॉग इकट्ठा हो रहे थे। सीएमओ कांगड़ा के आदेशा अनुसार हमारे कर्मचारी 3 शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सूद, जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारी जिला कांगड़ा। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है टीबी मुक्त करने का, जिसे 16 से 30 नवंबर तक टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा कहा जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सभी आयुर्वेदा विभाग के लोग, प्राइवेट डॉक्टर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जिला में 2 लाख से अधिक आबादी चिन्हित की गई है, जिसे 650 टीमों के माध्यम से घर घर जाकर जांच की जा रही है। और बहुत ही इसमें उल्लेखनीय योगदान हमारे लैब के स्टाफ का रह रहा है, जो राउंड दी क्लॉक जो इतने सैंपल्स आ रहे हैं उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जिला में 5 सीबी नेट मशीन्स हैं, पालमपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी, टांडा और धर्मशाला में। तो सभी जितने टीबी के आर के सूत ने बताया कि एक दिन जब पालमपुर के अस्पताल में गए तो उन्होंने देखा कि लैब टेक्नीशियन विवेक आचार्य रात में कार्य कर रहे थे, जिनका वीडियो बनाकर सरकार के साथ शेयर किया, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उसे ट्वीट किया गया है। हमारी सभी टीमें बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। जिला कांगड़ा में अभी तक 32 मामले शुरुआत के 4 दिन में निकल के सामने आए हैं। एक अच्छी हूँ जान है हमारा लक्ष्य और 90 मामलों को खोजकर उपचार करने का है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, सर ये जो प्रोग्राम है, सर ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, इसका नाम दिया गया है टीबी मुक्त हिमाचल। तो ये हिमाचल से टीबी को मुक्त करना है, इसलिए ये एक अभियान चलाया गया है 15 नवंबर टू 30 नवंबर तक। तो इसमें सारे जो पेशेंट हैं उनको पॉपुलेशन के हिसाब से कवरेज किया जा रहा है। आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, बाकी और स्टाफ भी इस ड्यूटी में लगा हुआ है सर। और सीवी नेट साइड में जो सैंपल्स आ रहे हैं वो पूरी फिर पूरे ब्लॉक्स के आ रहे हैं सर, गोपालपुर, भवारना वगैरह के। कार्यक्रम में वक्त चला छोटा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।